दिल हल्के दुखों को तो बयान करता है, लेकिन गहरे दुख गूंगे होते हैं। जब से आप अम्मी के पास गए हैं मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं करता बाबा। जैसा आप चाहते थे मैं अब जा रही हूँ ताकि आप अपनी जन्नत में सुकून से रहें। मैंने अपना सामान बांध लिया है और अब मैं इस्तांबुल जा रही हूँ। खाला, खाला मैं आ गई। ओहो, ओह नैयर साहब, आप बस स्टैंड तक क्यों नहीं गए? अब वो बेचारी बच्ची यहाँ तक कैसे आएगी? उसे तो रास्ता तक नहीं पता। बेचारी बच्ची को अकेला छोड़ दिया हमने। तो फिर हमने दरवाजा क्यों खोल दिया? इतना काफी नहीं है क्या? मैं ऐसा बेरहम इंसान या जोर जुल्म करने वाला नहीं हूँ। अफंदी के जनाजे के बाद हमारे साथ आ जाती। नहीं यार, उसने अपने बाबा का इंतजार किया और क्या कर सकती थी वो? देखो जरा कितने बेरहम हो गए हम तो ऐसे कभी थे ही नहीं। बात सुनो, मुझे उस बाप की शक्ल वाली से बात नहीं करनी। उस लड़की को पहले दिन से ही हमारे सर पर चढ़ाना बंद करो। तौबा है नैयर, आपके दिल में उस लड़की के लिए जरा भी मोहब्बत नहीं है। वो खून है मेरा। तुम मुझे जवाब दे रही हो? जो समझना है समझे। बहुत जबान चल रही है तुम्हारी, बहुत जवाब दे रही हो मुझे ना। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, यहीं दफन कर दूंगा मैं तुम्हें। नैयर साहब, मैं बस चलते चलते ऐसे ही गिर गई थी, लगी नहीं मुझे। अली साहब की गाड़ी तैयार करें जाकर जल्दी से। जी मैं करता हूं अभी। अब अपनी ये बकवास करना बंद करो। हमने दरवाजा खोला, शुक्र अदा करो। तमीज से रहो तुम, समझ गई? कोजान फार्म हाउस कितना दूर है? वो तो 2 किलोमीटर पीछे रह गया। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं उतर जाती। मेरी तो जैसी गुजरनी थी गुजर गई। अब करूं क्या समझ नहीं आ रहा। अब उस लड़की की बात है, वो मेरे भाई की अमानत है। मैं उसका ख्याल नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? बेटा वो मेरी टेबल साफ कर रही हूँ, तुमने नाश्ता कर लिया या नहीं? मैंने कर लिया। अल्मास, अपने बाबा की बातों में मत आना। मेरी भतीजी को अपने बहुत करीब रखना, ठीक है? अम्मी आप फिर शुरू हो गई सुबह सुबह। आज मेरी बहुत अहम मीटिंग है अली साहब के साथ, तो तंग ना करें। मैंने सारे कागजात रख तो लिए ना। अली साहब गाड़ी तो बहुत तेज चलाते हैं, कभी कभी डर लगता है उन्हें कुछ हो ना जाए। उनकी जीन्स में है ये तो। ये कौन है भाई? हम कोई ख्वाब तो नहीं देख रहे? देखो तो जरा, इस जंगल में बगैर पर वाली परी घूम रही है। ए, क्या रास्ता भूल गई हो? कहाँ जा रही हो वैसे? आ जाओ, बैठ जाओ, हम छोड़ देते हैं। क्या तुम्हें पसंद नहीं आए हम? दफा हो जाओ भाई, ये तो बहुत गुस्से वाली है। दफा हो जाओ, सुना नहीं क्या तुमने? नहीं होंगे दफा, क्या कर लोगी? जाकर इसके होश ठिकाने लगाता हूँ। बहुत मजा आने वाला है भाई। अरे डरो मत, डरो मत। अब कहाँ जाओगी तुम? बचाओ! जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। कोई मदद करो मेरी, बचाओ। पास मत आना। ओह, अब तो डर गए। चलो आराम से गाड़ी में बैठो, हमें जबरदस्ती करने पर मजबूर ना करो। हाथ मत लगाना। क्या हो रहा है यहाँ? अब ये कौन आ गया? कौन हो तुम? कहीं मसला ना हो जाए, निकलो यहाँ से। अरे वो लोग तो भाग रहे हैं, वो लोग पकड़ो उन्हें। पुलिस को बुलाना चाहिए ना, भागने क्यों दिया उन्हें? हाँ जरूर, तुम भी उन्हीं के साथ शामिल हो। वो लोग चले गए तो अब तुम फायदा उठाना चाहते हो। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। क्या तुम ऐसे शुक्रिया अदा करती हो? अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये सब कुछ किया और अब शुक्रिया की तवक्को कर रहे हो? मेरे दोस्तों के साथ मतलब? तुम शायद गलत समझ रही हो। गलत समझ रही हूँ? ऐसा है क्या? 2 मिनट पहले इन पहाड़ों में सुनसान सड़क पर इन बदमाशों ने मुझ पर हमला किया। अचानक से तुम पता नहीं कहाँ से आ जाते हो और उन्हें भागने भी देते हो और कह रहे हो कि मैं गलत समझ रही हूँ तुम्हें। देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वो लोग कैसे दोस्त हो सकते हैं मेरे? मैं तो यहाँ बस मदद कर रहा था तुम्हारी। हाँ सही कह रहे हो, मैं जानती हूँ इस्तांबुल के लोग कितने मददगार होते हैं। खैर जहाँ से भी तुम हो, लेकिन बोलती बहुत अच्छा। नाम क्या है? करीब मत आना। जो दिल चाहे करो। तुम यकीनन भटक गई हो। जाना कहाँ है तुम्हें? तुम्हें इससे क्या? देखो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ मैं। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लड़की डरो मत। देखो तुम इस इलाके से करीब मत आना। या अल्लाह मैं इसे कैसे समझाऊँ। करीब मत आना मेरे। बात सुनो, तुम्हें यहाँ ना ही टैक्सी और ना ही कोई और कन्वेंस मिलेगी। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ। यहाँ से चंद किलोमीटर दूर भी सिर्फ खाने पीने की जगह है और कुछ नहीं। और हाँ याद रखना, अगर नसीब में हुआ तो कुछ ना कुछ खाने को सुबह मिल ही जाएगा। क्या तुम चुप नहीं रह सकते? तुम्हें भी तो बात समझ में नहीं आ रही है। देखो तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ मैं, कहाँ जाना चाहती हो? या मेरे अल्लाह, कोजान फार्म हाउस जा रही हूँ। आप खुश हो गए? कोजान फार्म हाउस जाने के लिए तुम गलत सिम्त में जा रही हो, ये रास्ता नहीं है। तुमसे रास्ता किसने पूछा है? बात को बढ़ाओ मत। आ जाओ, गाड़ी में छोड़ देता हूँ तुम्हें। तुम्हारा मसला क्या है? कोई हीरो हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? मुझे कोई मदद नहीं चाहिए तुम्हारी। कहा ना इस तरह कभी भी नहीं पहुँच पाओगी। चलो बैठो गाड़ी में। तुम मुझे पागल लगते हो या फिर दीवाने हो? तुमसे किसने मदद मांगी है? क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो क्या? कोई मदद करो मेरी। छोड़ो मुझे। तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो कोई, प्लीज मदद करो मेरी। वहीं ले जा रहा हूँ जहाँ तुम जाना चाहती हो। सब्र नहीं है क्या तुम्हें? पागल इंसान, गाड़ी रोको अभी इसी वक्त। तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको फौरन, रोको अभी। एंजॉय कीजिए। आपको कुछ और तो नहीं चाहिए ना? नहीं शुक्रिया तुम्हारा। छोटे साहब के लिए कबाब बना दिए हैं, दोपहर के लिए मानते बनाऊं या कोफ्ते? वो सुबह से कोफ्ते की जिद कर रहा था, उसके लिए कोफ्ते बना दो। मानती रात में सब साथ खाएंगे। ठीक है। ये तो मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? कौन सी जगह है ये? क्या हो रहा है हफीजा? अली साहब की गाड़ी है वो तो, कोई और भी है उनके साथ। मगर किस किस्म के पागल इंसान हो तुम? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? तो अब हफीजा क्या हुआ है? क्या बात है? आहिस्ता चलाओ गाड़ी। तुम पागल इंसान हो। तो ओह हाँ, मैं तो भूल गई थी तुम और आदमियों के साथ मिले हुए हो। छोड़ूंगी नहीं, अदालत तक लेकर जाऊंगी तुम्हें। आंटी, अलमास, तहे दिल से कोजान फार्म हाउस में खुशामदीद। अरे तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? खुशामदीद। ये क्या हो रहा है अली? कुछ भी नहीं आंटी। अलमास, तुम्हारी कजन आई है, छुट्टी करो आज। मगर आज तो बहुत ही अहम मीटिंग है, शाम में मिल लूंगी नूर से। नूर, मर्जी है, जैसे ठीक लगे। हाँ नैयर साहब जी, मोहतरमा का कुछ सामान रास्ते में ही रह गया था, क्या ले आएंगे उसे? जी बेहतर, अभी लाता हूँ। सुबह से सोच रही हूँ कैसे पहुँचेगी, कैसे आएगी, और ये तो मैंने सोचा भी नहीं था यानी कि अली साहब की गाड़ी में आएगी। देखकर मैं हैरान रह गई। आंटी, जिस लड़के की तारीफें करते हुए आपकी जुबान नहीं थकती थी, ये वही लड़का है। शक्ल से तो एकदम डाकू लगता है। चुप रहो, क्या हम अपने मालिकान को डाकू कह सकते हैं? अली साहब हमारी रोटी रोजी है। आइंदा ऐसी बात कभी मत करना। वैसे बहुत कम कहा मैंने। या अल्लाह, मैं आयतुल साहिबा को कैसे मुंह दिखाऊंगी? अच्छा जाके मुंह हाथ धो लो, माशाल्लाह प्यारी लग रही हो। अरे मैं तो तुम्हें गले लगाना ही भूल गई। देखा आपने कैसे बोल रही थी? जुबान बहुत तेज लगती है उसकी, लेकिन बहुत खूबसूरत है और थोड़ा मगरूर भी। लेकिन एक बात बताओ, वैसे आपने इंसानियत दिखाकर उसे यहाँ बुला तो लिया, लेकिन ये फैसला हमारे लिए मुसीबत ना बन जाए। ये कोजान फार्म हाउस है, यहाँ हर कोई अपनी हद में रहता है, वो भी सीख जाएगी। मेरी बात गौर से सुनो, आयतुल साहिबा को किसी बात पर भी गुस्सा मत दिलाना। वो यहाँ सबसे बड़ी हैं, वो अली साहब की माँ जैसी हैं, खाला जैसी हैं, और कुछ नहीं। बस खामोश रहना उनके सामने। अब चलो। आयतुल साहिबा, ये नूर है। माफ कीजिएगा, दरअसल हम भी शर्मिंदा हैं, सच में ये नहीं होना चाहिए था। ये भी आपसे माफी मांगना चाहती है। जाओ बेटी। इसकी जरूरत नहीं, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। हफीजा, अपनी बेटी को कुछ मुनासिब कपड़े पहनाओ, यूं खुले गले के साथ यहाँ वहाँ घूमती ना फिरे। माफ कीजिएगा आयतुल साहिबा, आपके भांजे से खुद को बचाते हुए ही ये बटन टूटा है। क्या तुम्हें उनको जवाब देना जरूरी था? मेरे लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। चलो आओ किचन में। बड़े खुश लग रहे हो। खुश तो हूं मैं, मगर देर हो रही है, बाद में बात करेंगे हम। आज मसरूफ दिन है, जानती हूँ। शाम का खाना साथ खाओगे? इंतजार मत कीजिएगा, देर हो जाएगी मुझे। तो क्या सारा दिन कंपनी में रहोगे? जी। देखो, अगर शायद मौका मिला तो हम भी चक्कर लगाएंगे, लेकिन मर्द कहाँ है? अपने कमरे में है। एक बच्चा जो स्कूल की उम्र में हो, उसे इस तरह जिद नहीं करना चाहिए। पहले ही आधा साल वो स्कूल से गैर हाजिर रहा है, स्कूल का मुंह नहीं देखा, मजीद बिगड़ गया है। और अब रोजाना जब देखो कोई ना कोई शरारत करता है। बिल्कुल तरफदारी ना करना। तुम उसका साथ देते हो तो वो बिल्कुल नहीं सुनता। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। ठीक है। नानी जल्दी आए, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। मेरे रूम में आ सकती हैं आप? मर्द? हाँ, मर्द बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है मर्द। क्या हो रहा है यहाँ? कैसा शो हो रही है? बाबा क्या आप घर में ही थे? हाँ यही हूँ मैं। क्या हो रहा है यहाँ? क्या होना चाहिए, हमारे साहब ने फिर से कोई चाल चली है, दिख रहा है। अरे बेटा तुम नानी की सजाओं से तंग नहीं आते? कसम से अब तो मैं भी तंग आ गया हूँ। आ गया हूँ मगर? हाँ अगर मगर क्या, आ तो गया हूँ मगर मेरी नानी है, क्या करूँ। आ जाओ, देखो बड़े हो गए हो, अब सुधर जाओ, समझ में आई बात? नाराज हो जाऊंगा मैं आपको नाराज करने के लिए नहीं, अम्मी को नाराज करने के लिए करता हूँ। अगर वो मुझे इस तरह यहाँ शरारती करते देखे तो वो फौरन गुस्से में आ जाएंगे और मैं यही चाहता हूँ। ऐसी बातें क्यों करते हो तुम? देखो इधर देखो, अब शरारत नहीं कोई, समझे बात? और ये बातें बंद कर दो बस, अब आइंदा कोई शिकायत ना सुनूं मैं। वादा करो मुझसे। वादा करता हूँ। शाबाश। रुक जाए, आपने मेरी तस्वीर तो देखी नहीं। ये बड़े वाले आप हैं बाबा, और ये फरिश्ता मेरी अम्मी है। इनके पास बड़े बड़े पर हैं और इन परों में हमें छुपा सकती हैं। वादा याद रखोगे ना, भूलना मत। उस तरफ एक तालाब है, वो देखो वहाँ पीछे अस्तबल बने हुए हैं। बस हमारे पास सिर्फ गाय और बकरियाँ नहीं हैं। बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल हमारी जगह की तरह। बाबा होते तो उन्हें भी पसंद आती है जगह। हाँ वाकई ये हमारी जगह की तरह है, बहुत ही खूबसूरत है। ये एक अलग ही दुनिया है। खैर इस हफ्ते के आखिर में तुम्हें असल इस्तांबुल दिखाएंगे। अगर तुम मेरी अम्मी की तरह यहाँ पर कैद हो गई तो फिर तुम कभी भी इस्तांबुल नहीं देख पाओगी। तुम यहाँ बोर हो गई हो ना? अगर अली साहब नहीं होते तो बोरियत से मर जाती। मैं उनके लिए काम करती हूँ, जानती हो, कुजान कंपनी में, बहुत बड़े प्लाजा में, लेवेंट के मरकज में, मतलब तहजीब के ऐन दरमियान में। रहने दे, मैं चलाऊंगा। अजीब आदमी है ये, लगता है मूड खराब है इनका। मैं समझ सकती हूँ, इस आदमी के साथ काम करना बहुत मुश्किल होगा। अली साहब दुनिया के कोई आम इंसान नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए एक नेमत है। अली कोजान के साथ काम करना मेरे लिए फख्र की बात है। वो मुनफरिद इंसान है। खैर मुझे तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया उसमें। उन्हें उन खुशकिस्मत लोगों में से ना समझो जो सब कुछ मेहनत किए बगैर हासिल कर लेते हैं। उन्होंने अपनी किस्मत खुद बनाई है, अपने बलबूते पर आहिस्ता आहिस्ता इस मकाम पर पहुँचे। वो किसी के सामने नहीं झुकते। उन्होंने अपने माँ बाप के बगैर इस्तांबुल जैसे शहर में अपनी पहचान बनाई। कौन जानता है कि उनके पास जो दौलत है उसके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की है। अली कोजान एक अजीम इंसान है, बहुत अजीम इंसान। जब इतना सब कुछ हासिल कर ले तो थोड़ा सख्त हो जाता है, अंदर से भी और बाहर से भी। मुनफरिद, सख्त, और जैसा कि तुमने कहा बाज़ औक़ात बेरहम भी, मगर दिल से अलग है वो। उनका एक प्यारा सा बेटा भी है। उसका बेटा भी है? अल्लाह उसकी बीवी को सब्र दे। वो घुंघराले बालों वाली इसकी बीवी है क्या? अरे बिल्कुल नहीं, वो उनकी भाभी है। उनके भाई जाहिद साहब है ना, उनकी बीवी है। छोड़ो इन अफवाहों को। नूर बेटी तुम सफ़र से थक गई होगी, जाओ जाके आराम करो। और हाँ अगर तुम फ्री हो तो आ जाओ, मेरी मदद करो, कुछ काम है। आंटी क्या इसमें मैं मदद करूँ आपकी? अरे नहीं, तुम जाके आराम करो, मैं कर लूँगी। ठीक है। बात सुनो, क्या ज़रूरत है उससे फजूल बातें करने की? क्या बता रही थी अली साहब के बारे में? तुम्हारी वजह से कोई नया मसला खड़ा ना हो जाए। अल्लाह, हमेशा उल्टा क्यों सोचती हैं आप? हाँ कुछ नहीं बताया मैंने उसे। मैं बस ऐसे ही समझा रही हूँ कि मुश्किल ना खड़ी हो जाए। अली साहब को अगर शक हो गया तो हम यहाँ से बाहर निकाल दिए जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, मैं अली बेग साहब के सब मामलात के बारे में जानती हूँ, क्या बताना है और क्या नहीं। आपको वैसे भी ये मशवरा किसने दिया था कि अपने भतीजे को यहाँ बुला लीजिए? अब मुझ पर शक कर रही हैं। आह बेटी, तुम थक गई होगी, अलमास है ना, संभाल लेगी। क्या तुम सुबह से शाम तक की थकावट के बारे में बात कर रही हो हफीजा? काम करेगी, यहाँ आराम से फारिग नहीं बैठेगी। कल से बावर्ची खाने में तुम्हारी मदद भी करेगी। आयतुल साहिबा से कल लाजमी बात करना, इसे भी तुम्हारे साथ किचन के कामों के लिए रख लें। मैं यहाँ पर किसी पे भी बोझ बनने नहीं आई हूँ खालू, मुझे किसी से भी काम मांगने की जरूरत नहीं है। मैं कल ही काम की तलाश में निकलूंगी। नौकरी तलाश करोगी? बेटी, ये इस्तांबुल है, नौकरी आसान नहीं, खास तौर पर तुम जैसी जिसने कभी यूनिवर्सिटी की शक्ल भी नहीं देखी। अगर तुम्हारी कोई दूसरी नीयत है वो और बात है, अगर तुम यहाँ इज्जत के साथ नहीं आई हो, लेकिन अगर अपनी जवानी और खूबसूरती के सहारे काम करने आई हो तो साफ बता दूं, तुम्हारा हमारी जैसी शरीफ फैमिली के साथ एक दिन भी गुजारा नहीं हो सकता। तौबा तौबा, आपको ये बातें नहीं करनी चाहिए नैयर साहब। मुझे जो कहना था कह दिया, अच्छी तरह सुन लो। अगर तुम्हारी नियत ठीक नहीं है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। देखो बेटी, अपनी नियत का अंदाजा तुम्हें खुद है, इसलिए बेहतर यही है कि अच्छी तरह से देख लो। मुझे अपनी खूबसूरती पर नहीं, अपनी जहानत पर भरोसा है। आप फिक्र ना करें मेरी। तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? आगे पढ़ने का इरादा है? पहले मुझे अपनी पढ़ाई के लिए अच्छी नौकरी करके पैसे जमा करने होंगे, फिर इम्तिहान देकर यूनिवर्सिटी वापस जाऊंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फिर से तुम कल या परसों अपना अलग घर भी ले लोगी? हैं? वो भी बहुत जल्द ले लूंगी इंशाल्लाह, किसी पर बोझ नहीं बनूंगी मैं। हैं? क्या हुआ था तुम्हारे तालीम याफ्ता नौकरी पेशा बाबा का? क्या हुआ? खुद तो दफन हो गए और अपनी बेटी को मेरे दरवाजे पर रहम मांगने के लिए छोड़ गए हैं। मैं खाना खा चुकी हूँ, ताज़ी हवा के लिए जा रही हूँ। खाने के साथ मत खेलो, चलो जल्दी खाना खत्म करो। मेरा दिल नहीं चाह रहा, मेरे बाबा अभी तक घर नहीं आए। वो आज भी भूखे सोएंगे क्या? भूखे नहीं रहेंगे, वो यकीनन बाहर खा रहे होंगे। बाबा आप ही के लिए काम कर रहे हैं। मेरे पास सब कुछ तो है, फिर क्यों काम कर रहे हैं वो? तुम्हारे पास सब कुछ क्यों है बेटा? बाबा के काम करने की वजह से है। तो अगर बाबा काम करें तो सब कुछ ले सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। तो अगर ऐसा ही है तो वो मेरी अम्मी को जन्नत से क्यों नहीं लेकर आ रहे वापस? चलो प्यारे बच्चे, खाने का दिल नहीं चाह रहा तो दांत साफ करते हैं और बिस्तर पर चलते हैं, ठीक है? चलो चलो जल्दी से चलो। लगता है इस साल भी ये बच्चा स्कूल नहीं जा सकेगा। अली को नया रिपोर्ट कार्ड लेना पड़ेगा। ये क्या बकवास कर रही हो नाज़ान? लगता है आपको अंदाजा नहीं है आयतुल साहिबा, आपका नवाज साहब भी अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहा है। जब तक वो ऐसी बातें करता रहेगा, आपको लगता है अली उसे स्कूल भेजने की हिम्मत करेगा? और हाँ, अली उसे सही से वक्त कहाँ देता है। अगर कोई उसे सच बता दे या उसे ये बात कहीं से पता चल जाए तो क्या होगा? अपने काम से काम रखो, अली अपने काम निपटा कर वापस आ जाएगा। तुम्हारी अली से कोई बात हुई है क्या? क्या उसने तुम्हें अपनी वापसी के बारे में बताया था कुछ? जाहिद उसके दरवाजे पे दस्तक दी थी लेकिन जवाब नहीं मिला। जवाब नहीं मिला और दरवाजा खोलकर देखने का ख्याल भी नहीं आया। छोटा भाई तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं देता। मैं उसे तंग नहीं करना चाहता नाज़ान। यहाँ रात में ज्यादा ठंड होती है, सर्दी लग जाएगी। वैसे अली हूं मैं तुम्हारा नाम जानती हूँ। ओह, उम्मीद है मेरा नाम तुमने किसी बुराई में नहीं सुना होगा। मैं भी तुम्हारा नाम जानता हूँ मगर तुम खुद कराओगी तारुफ अपना। आज सुबह मुलाकात हो चुकी है मुझसे तुम्हारी। मैं नूर हूँ। अंदर जाओ, सर्दी ज्यादा है। जाओ नूर, जाओ। शाबाश। गुड नाइट। गुड नाइट। बनू भाई, अपने भाई के कमरे तक में तो बगैर इजाजत के जा नहीं सकते। दरवाजा खटखटाते हो तो दरवाजे से वापस आ जाते हो। बड़े बनते हो ना, क्या अपने छोटे भाई से ये नहीं कह सकते? छोटे हो, मेरी सुनो। मर्द कहाँ है? यहाँ है क्या? मैं अभी उसे सुला कर रही हूँ भाई। आंटी, मर्द को देखा आपने? नीचे है क्या? तुमने उसे कहाँ सुना है? कहाँ है मर्द? क्या हुआ अली? मर्द को देखा तुमने? वो कहीं नहीं मिल रहा। क्या हुआ? कहीं वो छत पर न चला गया हो। जल्दी आओ। अम्मी, अम्मी यहाँ हूँ मैं। अम्मी, अम्मी जल्दी आ जाए ना, यहाँ हूँ मैं। अम्मी चले आप जल्दी से आ जाए। आए जल्दी, यहाँ हूँ मैं। मेरा हाथ पकड़े अम्मी, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। चले जल्दी आए। मर्द, मर्द, मर्द कहाँ हो तुम? अरे अली पुरसुकून हो जाओ। कैसे पुरसुकून हो जाऊं? नहीं यार, नहीं यार, यार सबर करो थोड़ा। पुरसुकून नहीं कर सकता मैं सबर। किस किस्म के लोग हैं आप लोग? एक बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते। कितने दिनों से मैं तुमसे कह रही हूँ उसके कमरे का दरवाजा बंद रखा करो, मगर तुम भी नहीं सुनते। मर्द, मर्द तुम इतना ऊपर कैसे चले गए? डरना मत, ठीक है? आ रही हूँ मैं, वहीं रुको। अम्मी रुक जाओ, बस आ गई हूँ मैं। मैं अम्मी का इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे। आ गई मैं, चलो अब आ जाओ मेरे पास। आ जाओ। मर्द, मर्द, भाई, भाई यहाँ आए। कहाँ है मर्द? तुम क्या कर रहे हो वहाँ? उन्हें आप यहाँ नहीं आने दीजिएगा, वो लोग उतार देंगे मुझे। अब बस आप लोग वहीं पे रहे, मैं उतार दूंगी इसे। वही रुक जाओ, आ रहा हूँ मैं। तुम बिल्कुल भी मत डरना। मैं क्यों डरूंगा बाबा? अम्मी थोड़ी देर में ही आने वाली हैं। मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। हिलना मत, मैं बस आ रहा हूँ अभी वहाँ। चलो आ जाओ मर्द, अपना हाथ दो मुझे, आ जाओ। नहीं आऊंगा मैं सिर्फ अपनी अम्मी का ही हाथ पकड़ूंगा। चलो आ जाओ। ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलो अब आ जाओ, आ जाओ। टाइट से पकड़ लो मुझे, ठीक है? बेटा मैं आ गया। तुम नीचे रहो, हम आ रहे हैं, ठीक है? आराम से, आराम से। आ जाओ, आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ मेरे पास। क्या समझते हो तुम खुद को? हाँ, क्या समझते हो तुम खुद को? ये हरकत फिर कभी मत करना, मेरी बात समझ आई? ये मत करना। करूँगा, करूँगा मैं, ये फिर से करूँगा, क्योंकि मेरी अम्मी थी तारों के पीछे। अम्मी नहीं आएंगी ऐसे, समझ आ रही है तुम्हें? दरख्त पर चढ़ने से नहीं आएंगी वो। मैं दोबारा करूँगा बाबा, करूँगा मैं। जब तक मेरी अम्मी नहीं आ जाती मैं दोबारा करूँगा। मुझे पता है वो सितारों के पीछे, वो जरूर आएंगी। नहीं आएंगी वो। बस कर दो, बच्चा है ये छोटा। चलो तुम मेरे साथ आओ। अपने कमरे से बाहर मत आना, सुन लिया तुमने? अपने कमरे से मत निकलना। अली आराम से बात करो। आप चुप रहे, खुदा के लिए। क्या काम है इसका यहाँ? हाँ? कल तो ये दरख्त नहीं चाहिए यहाँ। हम दरख्त काटने वाले थे तो मैं भूल गया। काटना शुरू करें इसे फौरन, बल्कि इसे खुद काटूंगा मैं। लेकर आए? जी अभी लाया जनाब। नूर, नूर आ रही हूँ मैं, थोड़ा सांस तो ले लूँ। अपनी माँ को याद कर रहा था वो, थोड़ा प्यार से बात करनी चाहिए थी। नहीं यार, कितनी देर लगेगी और? मैं आ गया जनाब, लीजिए। ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? हटो यहाँ से। अभी तुमने उस छोटे से बच्चे को सजा दी है, अब इस मासूम दरख्त के पीछे लग गए हो तुम। दूर हट जाओ फौरन, और बीच में मत आना। इसको काटने से मसला हल हो जाएगा तुम्हारा। अभी उसे कमरे में बंद किया है, उससे क्या होगा? क्या तुम्हारा खौफ खत्म हो जाएगा? बहुत जिद्दी इंसान हो, बहुत ज्यादा। अपने बेटे को समझाने के बजाय इसी तरह अगर उसे सजा देते रहोगे ये मसला कभी हल नहीं होगा। मुझे बाबा अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। वो अम्मी को भी नहीं आने दे रही मेरे पास। आपने तो कहा था कि अम्मी वापस आ जाएंगी, और कितना वक्त लगेगा उन्हें वापस आने में। अब वो बच्चा मेरे दिमाग से निकलेगा नहीं। कितनी मासूमियत से बार बार अपनी अम्मी का नाम ले रहा था। क्या हुआ उसकी अम्मी को? क्या वो इस दुनिया में नहीं है? ट्रैफिक का हादसा, 3 साल हो गए। अपनी माँ को बहुत याद करता है, जैसे अब भी वो इसी दुनिया में मौजूद है। छोटे से बच्चे के लिए बहुत दुख की बात है, बहुत बहुत ज्यादा। समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? हाँ, समझ क्यों नहीं आती है तुम्हें? क्यों? किसी बात का असर नहीं होता तुम पे। हर चीज कैसी है शुरू से तुम अच्छी तरह जानती हो। हमारे दरमियान कुछ भी अच्छा है ही नहीं। हर चीज तुम्हारी अम्मी के मुताबिक हुई है, उसके बावजूद भी हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं है। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ अली। क्या है यार? अच्छा, मोहब्बत करती हो, उसके बाद भी हमारी जिंदगी क्यों जहन्नुम है? हर नए दिन का आगाज झगड़े से होता है हमारा। क्यों होता है ऐसा? क्या वजह है इसकी? देखो अलीना, मैं तुमसे अब सिर्फ तलाक चाहता हूँ। सुन लिया तुमने? वाहिद हल यही है। मुझे चाहिए सुकून। तो तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो ना? जी हाँ। मेरे बगैर अपनी जिंदगी जीना चाहते हो? ऐसा ही है। लेकिन मेरे लिए तुम्हारे बगैर कोई जिंदगी नहीं है अली। अगर तुम नहीं हो तो जिंदगी भी नहीं है। अलीना क्या कर रही हो? मत छोड़ो, छोड़ो इसे। छोड़ो। अलीना साहिबा अभी भी होश में आ सकती हैं, 1 साल बाद भी आ सकती हैं, या ये भी हो सकता है कि ये कभी होश में ही ना आए। 3 साल से मेरे बच्चे को यही बोले जा रहे हो कि उसकी माँ जल्द ही होश में आ जाएगी। कब आएगी? ये हमारे हाथ में नहीं है मिस्टर अली। इस वक्त आपकी बीवी को दुआओं की जरूरत है और कुछ नहीं। हम सब जिंदगी में जख्मी होते हैं, बड़े छोटे गहरे। हम सबके पास बड़े छोटे दर्जनों जख्म होते हैं। वक्त कुछ जख्मों पर मरहम रख देता है और कुछ हमें नजर नहीं आते, महसूस नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका निशान बाकी रह जाता है, उनका खून बहना बंद नहीं होता। वक्त कुछ जख्मों के लिए दवा नहीं होता। उन्हें आंखों में छुपा सकते हैं लेकिन दिल में नहीं छुपा सकते। अली कोज़ान मगरूर, सख्त, बेरहम आदमी। तुम भी तो शदीद जख्मी हो, बिल्कुल मेरी तरह। तुम्हारे लिए आ जाओ जल्दी। अभी आ रहा हूँ बाबा जान। मर्द, इस तरह नंगे पैर बाहर कहाँ जा रहे हो? बेटा नंगे पाँव क्यों घूम रहे हो? सर्दी लग जाएगी तुम्हें। ध्यान से, तुम्हारे पाँव में कुछ चुभ ना जाए। आ जाओ। शाबाश मेरा शेर। बाबा क्या ये सब मेरे लिए किया है आपने? बिल्कुल तुम्हारे लिए। आओ जल्दी। नाराज नहीं है आप? क्या नाराज क्यों होऊंगा मैं? चलो आ जाओ। लेकिन कल रात को तो आप बहुत नाराज हो रहे थे। हाँ लेकिन अब नहीं हूँ मैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ध्यान से ध्यान से आ जाओ। शाबाश सुपरमैन आ जाओ। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।